हूँ आपके साथ जहारा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस वक्त की ताजा खबरों की ओर। आजमगढ़ फूलपुर में सोमवार को श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में सुहाग नगरी आतुर दिखी। फूलपुर नगर में सभी मंदिर सजावट से जगमगाते हुए दिखाई दिए। आजमगढ़ ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सुबह से शाम तक की तैयारी चली। आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 के अंक पर एकाकार हुई तो कान्हा के प्रकाटे का शखानंद हो गया। घंटे घड़ियाल और शंख बजने लगे। मंदिर के साथ घर घर बधाई बजने लगी। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और पूजन कर प्रसाद बांटा गया। सोमवार सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। घरों में सुबह से ही आनंद उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। सतरंगी झालों से सजे देवालयों में शाम 5 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। हर्षोल्लास के साथ कन्हैया के दर्शन कर रहे थे बच्चे बड़े और महिलाएं। सभी प्रभु की भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। मंदिरों पर मायरा सुनने के लिए उमड़ी भीड़। मंदिरों में फूल भोग भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। लोगों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल की झांकी सजाई। आस्था के पालने में विराजमान लड्डू गोपाल को श्रद्धालु अपलक निहारते रह गए। रात 12 बजते ही अंधेरे में आस्था का प्रकाश फैल गया। मंदिर और घर घर में कन्हैया ने जन्म लिया। श्रद्धालु में जन्मे हैं कृष्ण, कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई आदि भजन भी गाए। बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कर पंजी और मेवा मिष्ठान का भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। मंदिरों में भीड़ न रहे इसके लिए पुलिस सक्रिय रही। कृष्ण के स्वरूप बने बच्चों ने मन मोहा। मंदिर और घरों में बच्चे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में सजे नजर आए। वह हाथों में बंसी, सिर पर मुकुट, मोरपंखी, पीले और नारंगी रंग के धोती कुर्ता पहने मनोहारी लग रहे थे। श्रद्धालुओं ने स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की।